दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिवाली से पहले आजीवन लागू करने का फैसला लिया है। इस पर बीजेपी सांसद रमेश विदोरी ने आप सरकार पर हमला बोला है। विदोरी ने कहा कि केजरीवाल सरीकी लोगों के चलते ही भारतीय संस्कृति खत्म होती जा रही है। आजीवन इसलिए लागू किया गया है ताकि दिवाली पर हम एक दूसरे से ना मिल सके। विदेशी पैसे लेकर हमारे त्योहार पर रोक लगाना चाह रहे हैं। दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण से सांस लेनी मुश्किल हो गई है। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिवाली से पहले ऑड इवन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। अब इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विदोरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, दिवाली पर हिंदू समाज एक दूसरे से मिलने जा सके, इस वजह से केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन लगा दिया है। विदोरी का कहना है कि केजरीवाल तो शहरी नक्सली यानी अर्बन नक्सलाइट है। उन्होंने किसानों के नाम पर खालिस्तानी का समर्थन किया। कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतों को हाथों में खेल रहे हैं। औरंगजेब ने तो सत्ता के लिए अपने बाप को 8 साल तक जेल में कैद कर दिया था। विदोरी ने कहा कि केजरीवाल ने पहले दिवाली पर पटाखा पर प्रतिबंध लगाया। तर्क देते हुए कहा कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, इससे उसके वजह से योजना क्यों नहीं लाते। आज पंजाब में आपकी सरकार आ गई है तो नोएडा और गुरुग्राम को लेकर बयान दे रहे हैं। दिल्ली के कारण नोएडा और गुरुग्राम में पॉल्यूशन है। अब ऑड और इवन भी दिवाली से ठीक 3 दिन पहले लागू किया जा रहा है। इस प्लान को लागू कर ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई हिंदू यानी दिवाली पर ना मिल सके और ना ही मना सके। इसकी वजह से हमारा ये दिवाली खराब हो जाए। सनातन संस्कृति की जो त्यौहार और मान्यता है उनको खत्म करने का एजेंडा अर्बन नक्सलियों का है। विदेशों से पैसा लेकर हमारे त्यौहार पर रोक लगाना चाह रहे हैं। विदोरी ने कहा कि केजरीवाल साहब जैसे DNA के लोग थे कि भारत कबूल कंधार से सिमरते हुए आज सनातन संस्कृति खत्म होती जा रही है। एक एजेंडा जो बाहर चलता रहे, जो अपने इसराइल युद्ध में हमास को लेकर देखा होगा, बाकी सब खत्म हो जाए, उनकी मानसिकता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने का एक ही सोल्यूशन निकाला गया है, हमारे त्यौहार पर क्यों रोक लगा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत खराब है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में दिल्ली से ज्यादा हालत खराब है। आज जहां 616 AQI दर्ज किया गया है, दिल्ली में 10 नवंबर तक 5वीं तक के स्कूल को बंद कर दिए गए हैं और वही कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह पर एंट्री पॉइंट पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे दिल्ली में आने जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है।